हेलो बनारस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और शो की शुरुआत एक बेहतरीन थॉट के साथ कि जब काम के प्रति आपका जुनून सुबह आपको उठा दे, जब काम के प्रति आपका जुनून सुबह आपको उठा दे तो आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए ना, इस शो के थ्रू आपसे बातें करने का जो जुनून था तो आज अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गई, फटाफट रेडी हुई एंड स्टूडियो पहुंच गई। तो जुनून और जज्बे के साथ आ चुकी है आप सबकी रेडियो दोस्त वंदना, आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेके, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कर दर्शनम यानी हाथों के दर्शन का संस्कार दिया है। जब आप सुबह सुबह नींद से उठते हैं तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और इस श्लोक को पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर्मुलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का अर्थ है कि मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है, अतः प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करता हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा बनी रहे। एक बात और है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना तो हमारी आंखें उनींदी रहती हैं। ऐसे में अगर एकदम दूर की वस्तु या कहीं रोशनी पर हमारी नजर पड़ेगी ना तो आंखों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। कर दर्शन करने का ये फायदा भी है कि इससे दृष्टि धीरे धीरे स्थिर हो जाती है और आंखों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज के समय में ना ज़्यादातर लोग कर दर्शन की बजाय मोबाइल दर्शन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम में से अधिकांशतः लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करने लगते हैं। लगभग 80% लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना फ़ोन देखना पसंद करते हैं। एक अलग एवरेज की बात करें ना तो पाएंगे कि सुबह सुबह उठने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही 5 में से 4 लोग अपने फोन को चेक करते हैं। मगर ऐसा करना आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर अपना गहरा और बुरा असर डालता है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में करीब 2000 लोगों पर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे का नतीजा कुछ ऐसा आया कि जो लोग सुबह उठकर फोन का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे लोगों की दिन की शुरुआत स्ट्रेस से भरपूर होती है, जिस वजह से उन्हें अपना काम करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बढ़ सकती हैं ब्लड प्रेशर की शिकायत, थकान और सुस्ती महसूस होगी, बार बार फ्लैशबैक में जाकर आप हताश होंगे, चिंता और तनाव में रहेंगे, चिड़चिड़ेपन की आदत बन जाएगी, कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अधिकतर लोगों के सुबह की शुरुआत ना इतनी बेतरतीबी के साथ होती है कि वो अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि जिस रूटीन को उन्होंने अपनी आदत बना ली है वही आदत जाने अनजाने में कई बीमारियों को न्योता दे रही है। दोस्तों, अपने दिन को खूबसूरत बनाना आपके हाथ में है। स्मार्टफोन की जगह आप आत्मचिंतन कर पूरे दिन के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाएं। आपका मन और तन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। हमारी आपसे यही अपेक्षाएं हैं कि आप अपनी अनमोल सुबह को मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम ऐसे सोशल मीडिया के नाम कर देने के बजाय सेहतमंद और असली खुशी देने वाले कार्यों को अपनाएं और अपने साथ साथ अपने परिवार की खुशियों का भी ध्यान रखें। ये गाना एंजॉय कीजिए, मैं लौट कर आती हूँ। आँख मेरी सो सवारी दो सवारी लड़ लड़ जावे, ओ जिसे देख दिल मेरा पीछे पीछे पड़ पड़ जावे। हे दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें, करना जो तुझी दफा पहली बार कर कर जावे। ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे, ये तो नजरों में अपनी उतारे नजारे। वो जो सुबह तक ना उतरे हर रात नशा चढ़ता है। ले 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 मेरा बाद में मस्त
मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तो कर लेना। 7:12 बाय द स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर वन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। आज है 12 फरवरी सन 2023 दिन रविवार। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती मनाई जाती है और पंचांग के मुताबिक यशोदा जयंती आज ही के दिन मनाई जाएगी। इस दिन इस्कॉन मंदिरों के साथ साथ कृष्ण मंदिरों में भी उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मैया यशोदा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज के दिन सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। अपनी रेडियो दोस्त वंदना के साथ आप सुन रहे हैं आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी, जिस पर शो चल रहा है बनारस का नंबर वन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जान लेते हैं इतिहास में आज का दिन क्यों है खास। बारह फरवरी के दिन ही 1928 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की थी। वास्को डिगामा ने भारत की दूसरी यात्रा के लिए आज ही के दिन 1502 में अपने जहाज में लिस्बन से रवाना हुआ। आज ही के दिन 1736 में नादिर शाह फ्रांस का शासक बना। 1922 में आज के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। गांधी जी ने 12 फरवरी 1928 में बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की। भारत ने 12 फरवरी 1975 में खुद को चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया था। उत्तर कोरिया ने आज ही के दिन 2013 में अपना तीसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2009 में आज ही के दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की। अब जान लेते हैं आज के दिन यानी 12 फरवरी को किन महान हस्तियों ने जन्म लिया। मराठा राजनेता नाना फडणवीस का जन्म 1742 में आज ही के दिन हुआ। 1824 में आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रमुख सुधारवादी सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित के उत्थान में और समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। मशहूर बंगाली कवि सत्येंद्रनाथ दत्त का जन्म 1882 में आज ही के दिन हुआ। 12 फरवरी 1920 में हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक खलनायक प्राण साहब का जन्म भी आज हुआ। और अब 12 फरवरी को जिन महान हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा किया, जान लेते हैं उनके नाम। 1266 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का निधन हुआ। 12 फरवरी साल 1804 में जर्मनी के महान दार्शनिक और विचारक इमैनुअल कांट की 80 साल की उम्र में मौत हो गई थी। 1919 में भारतीय राजनीतिज्ञ नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर का निधन हुआ। 12 फरवरी 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अभिनेता टॉम मूर का निधन हुआ। 1998 में आज ही के दिन हिंदी फिल्म के हास्य अभिनेता ओम प्रकाश का मुंबई में निधन हो गया।
आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त वंदना को और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग बनारस। और अब खेल जगत से जुड़ी खुद कुछ खास बातें। क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, बीसीसीआई ने विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी कर दिया है। विमेन प्रीमियर लीग का ये पहला सीजन होगा। इसकी शुरुआत 4 मार्च से होगी, जबकि 26 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन में कुल 5 टीमें खेलेंगी। इसके अलावा पहले सीजन के सारे मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में होंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पारी और 132 रनों से जीत हासिल की। कल भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया, खासतौर पर आर अश्विन जिन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए। अश्विन ने इस मैच में 8 विकेट लेकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब चलते चलते एक छोटी सी हेल्थ टिप्स। रोज एक कटोरी दही खाने से इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है और साथ ही साथ पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। तो रोज एक कटोरी दही जरूर खाएं और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें। लेकिन याद रखें कि रात को कभी भी दही का सेवन न करें। तो अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ।